अक्षर तहसील ग्राम पंचायत मोगरा में सन 2016 से 2021 तक पदस्थ सरपंच रोजगार सहायक के द्वारा करवाए गए कार्य जैसे कि कपलधारा कूप निर्माण का कार्य, उक्त कार्य में काफी फर्जी कार्य किए गए। कपलधारा कूप की राशि फर्जी मस्टर लगाकर निकाल ली गई और इस विषय में हम ग्राम पंचायत मोगरा तहसील कुक्षी से समस्त निवासियों का यह है कि इसके अलावा मनरेगा योजना के अंतर्गत में भी फर्जी तरीके से कार्य किया गया, राशि का गबन किया गया। यहाँ की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी काफी फर्जी कार्य किए गए हैं। जो हितग्राहियों को राशि का भुगतान होना था उन्हें नहीं दिया गया और नए हितग्राहियों को पैसा देकर राशि दी गई है, कई राशि दी ही नहीं गई। यहाँ तक कि निस्तार तालाब योजना के अंतर्गत भी काफी फर्जी कार्य किए गए, बोल्डर चेक में भी फर्जी काम हुए हैं और इसके अलावा समस्त योजनाओं में सरपंच और रोजगार सहायक के द्वारा फर्जी कार्य किए गए। बता दें कि मजदूरी की राशि का भुगतान भी जो व्यक्ति ने मजदूरी की गई है उसको नहीं मिला, उसके नाम से कोई मस्टर तैयार नहीं किया गया। जिस व्यक्ति ने कार्य मजदूरी पर नहीं किए उसके नाम से मस्टर तैयार किया गया, इस प्रकार फर्जी मस्टर के आधार पर कार्य किया गया। यहाँ की सरपंच और रोजगार सहायक के द्वारा मात्र कागजों पर कार्य किया गया है, मौके पर कोई कार्य नहीं किया गया, जिससे कि ग्राम वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुक्षी से इकबाल खत्री की रिपोर्ट। क्या समस्या आपकी? जो हमारे आवास प्लस की सूची है ना, जो सीरियल से देने के लिए उनको बोलते तो वो कहते कि ऊपर नीचे करके दे दिया, और जिस हितग्राही से पहले से पैसे 5,000 रुपये ले रखा है सरपंच पति ने और सहायक रोजगार ले रखा है झोपड़ा पास करवाने के लिए, और जैसे वो आईडी किसी ने तोड़वाने के लिए आते तो वो कुक्सी भेजता है सहायक रोजगार, और एक अक्सर खुलता नहीं है, और वहाँ कंप्यूटर भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चीज कुछ भी नहीं है वहाँ पे, एलसीडी वगैरह। कौन सी पंचायत है? मोगरा पंचायत। आपका नाम? कमलेश चौहान। क्या समस्या है अंकल आपकी? समस्या हमारी ये है कि जैसे जॉब कार्ड सर हमारे रोजगार सहायक ने ले जाके ने क्या नंबर दबा के ने कोई काम किया वहाँ पे पैसे निकाल लिए, यानी कि हमारे खाते में नहीं आए, उस दूसरे के खाते में ट्रांसफर करवाए, और हम उसको बोला तो बोले कि तुम जो करना वो कर लो, तुम मेरा बाल बाका नहीं कर सकते। ये रमेश मुंडले रोजगार सहायक एक के रहा। तो आपने शिकायत कहाँ पे की है? शिकायत मैडम को दी अभी जनपद में, पहले भी हम आए थे, स्टेटमेंट भी बनवाए, मास्टर भी निकलवाए, सचिव जी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी दिया। क्या बोला मैंने? इन्होंने कहा कि अभी देखते थोड़े दिन बाद, तो एक महीने की मोहलत हमारे को रोजगार सहायक ने दी, उसके बाद में फिर हमने शिकायत वापस लेकर आए तो बोले कि 2 दिनों रुक जाओ, फिर और गए फिर बोले 15 दिन, अभी 15 दिन के बाद में सो गया वो, हम भी थक गए। आपका नाम? दिलीप सिंह वगैरह। रमेश मंडलो और एक अमन सिंह जामोत मेन, और ये एक्चुअली जवाब नहीं देते और कहीं कक्षा तो खुलती नहीं है और सिस्टम तो है ही नहीं, और क्या जनता की समस्या को इधर कुक्सी बुलाते तो ये आते ही नहीं, ये बहुत सारी समस्या है। और क्या समस्या? और समस्या ये इंदिरा आवास में जो सूची वेटिंग के हिसाब से देना चाहिए, पोर्टल पर दिखना चाहिए, वहाँ दिखना चाहिए पंचायत में कि जैसे ये इंदिरा आवास आ रही है कि इंदिरा आवास जो कार्ड के निचले स्तर से ऊपर कार्ड के दे देते हैं। ग्राम शौचालय अभी शौचालय के जो आधार कार्ड मांग रही है, फलाना मांग रही है, पहले जॉब कार्ड मांग लिए, फर्जी तरीके से बिल निकाली है। तो आपने सारी समस्या अवगत करवाई है? हाँ करवाई। कहाँ पे करवाई है? ये अपना जनपद पंचायत सीईओ मैडम को। क्या बोला मैडम? वो है ना गवर्नमेंट जॉब, वो सरकारी स्कूल में चपरासी चौकीदार, और वो पूरी पंचायत को इन्वॉल्व करता है, जबकि शासन के रूल से ये होता है कि सरपंच पति मीटिंग में भाग नहीं ले सकता, और ये फर्जी तरीके से साइन करके निकाल लेते हैं। पंचायत में कौन बैठता? मैम मोगरा पंचायत से जो ग्रामीण आए थे समस्या लेके, उन समस्याओं पे कब तक कार्रवाई हो जाएगी? देखिए आज मोगरा से सभी पंचायत के लोग आए थे, उन्होंने बताया है कि काफ़ी सारी योजनाओं में सचिव और सरपंच के द्वारा लापरवाही की गई है, प्रधानमंत्री आवास नरेगा योजनाओं का भी उन्हें व्यवस्थित लाभ नहीं मिला है। हमारी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीक तक मैं खुद भी जा कर के देखूंगी और इसमें जो भी जहां पर भी लापरवाही की गई है वो तो दोषियों के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। मैम पंचायत में महिला सरपंच और पति पंचायत को चलाता है, जो कि पति गवर्नमेंट जॉब में भी है, सील साइन वगैरह सरपंच पति करता है, इस पर क्या कहेंगे?
देखिए इससे जांच के बाद ही मैं कुछ कह सकूंगी जी। जब हम रिकॉर्ड्स देख लेंगे जी। और ये देख लेंगे कि हस्ताक्षर किसके द्वारा किए जा रहे हैं, DSC किसके द्वारा चलाई जा रही है जी। और उसके बाद ही मैं इस पर कुछ कह पाऊंगी जी। मैडम आपका परिचय। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुक्षी शचि जी।